तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मास्टर गेमर्स। आज अपन बात करने वाले बीजीएमआई के अंदर एक खतरनाक चीज के बारे में, लिटरली ओल्ड प्लेयर को ही ध्यान होगी जो कि ओल्ड प्लेयर है अपने बीजीएमआई के, जिसको पता होगा कि भाई अपने बीजीएमआई के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लिटरली एक मुर्गी है और उसके अपन को बताए तीन तीन कलर्स के, मतलब तीन प्रकार के अपन को गिली सूट देखने को मिलते हैं जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक ब्राउन वाला, एक ग्रे वाला और एक व्हाइट कलर का। वो भाई तीनों गिली सूट में ट्रेनिंग ग्राउंड के वो देखने को मिलते हैं। जो न्यू प्लेयर है ना, उनको बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। और अपने भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक मुर्गी भी है जो लिटरली वो किसी को नहीं पता है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तभी भाई उस वीडियो को आए हो ना, बताओ उसे क्या कर रहे हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो कल भाई जैसे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे ध्यान आया कि भाई बीजीएमआई के अंदर, मतलब बीजीएमआई का ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर भाई अपन को मुर्गी देखने को मिलती थी। लिटरली वो काफ़ी तगड़ी मुर्गी थी। वो मुर्गी भाई इसकी इनफाइनाइट हेल्थ है, वो मुर्गी मरती नहीं है। पर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे ध्यान आया भाई मुर्गी अपने गेम के अंदर हुआ करती थी और किस लोकेशन पे थी। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि भाई वो तो कैसी लोकेशन पे जिसके जो कि न्यू प्लेयर सोच भी नहीं सकता है। न्यू प्लेयर को मतलब बिल्कुल बना के नहीं पड़ेगी कि भाई अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ये भी है। तो चलो अपन बात करते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर टॉप 4 सीक्रेट्स के बारे में। तो चलो नंबर वन से बात करने से पहले भाई तुम ये लोकेशन देख लो। इस लोकेशन पर तुमको मिलेगा अपना व्हाइट वाला गिली सूट। वो मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा आप उसको कैसे ले सकते हो, क्योंकि वो न्यू प्लेयर्स को भी ध्यान है बहुत सारे बंदों को, पर ओल्ड प्लेयर्स को तो भाई पक्की लोकेशन रट्टी हुई है, मतलब उनके माइंड में रट रखा है उन्होंने ये लोकेशन को। चलो फर्स्ट लोकेशन ये रही जिसमें आपको मिलेगा भाई अपना ब्राउन कलर का गिली सूट। जैसा बंदे जाओगे ये रहा भाई अपना गिली सूट, जिसको इक्विप करोगे ना भाई इनफाइनाइट है। अब चार के चार बंदे आओगे ना ट्रेनिंग में, तो चार के चार बंदे गिली सूट पहन के खेल सकते हो। और मैं ट्रेनिंग में आऊंगा तो आपको ग्रेनेड भी देखने को मिलेंगे, हाँ ग्रेनेड, जो कि अपन थ्रो करके बमबारी कर सकते हैं, आतंकवादी बन सकते हैं, अपना मकसद पूरा कर सकते हैं गेम के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ से इस लोकेशन से बिल्कुल एक ही लोकेशन इसके ऊपर जाने के, तो वो ध्यान रखना लोकेशन वीडियो को पूरा प्रॉपर वॉच करना, मिस मत करना। तो चलते अभी ऊपर। तो भाई तुम सबसे पहले ये वाली लोकेशन देख लो जो कि होने वाली स्नो वाली गिली सूट की। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे इक्विप करके खेल सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वाली लोकेशन पर आ जाना है। यहाँ पे आपको देखेंगे भाई अनलिमिटेड ग्रेनेड, और लिटरली आपके बैग में जितना स्पेस हो, जितनी जगह आप ले सकते हो ना उतना आपको ग्रेनेड लेने। और जिस आप सामने हो गए आपको लंबी जंप मारनी है, और यहाँ से भाई आपको बिल्कुल केयरफुली चढ़ना ऊपर, मतलब ऐसे नीचे नीचे गिरते हो ना ताकि पूरी जो मेहनत है ना वेस्ट हो जाने वाली है। ये बिल्कुल आराम से ऊपर चढ़ना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो भाई तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और चलो ऊपर भाई, ये अपना लाइट वाला गिली सूट, और देख सकते हो भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक आप सामने देख लो भाई, ये अपना हैन, ये मुर्गी जो कि इसके पास भाई इनफाइनाइट हेल्थ है, ये मरती नहीं है। ये न्यू प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई यहाँ पे मुर्गी है और यहाँ पे गिली सूट भी देखने को मिलते हैं। भाई न्यू प्लेयर भाई पता चल गया ना ओल्ड प्लेयर की पावर क्या है, मतलब ओल्ड प्लेयर को भाई सब पता है कि अपने पबजी मोबाइल या बीजीएमआई में जो कुछ भी देखने को मिलता है। अपन बात करते हैं कि भाई अपना स्नो वाला गिली सूट आप कैसे इक्विप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ स्नो वाले को अपन कैसे इक्विप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना अपने गैराज के अंदर, और गैराज के अंदर आपको ये बग्गी है ना, इस बग्गी को ले लेना है, इसको ड्राइव करके बिल्कुल ही केयरफुली ले जाना है। मतलब भाई यहाँ पे इतना गड्ढे हैं, मतलब भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें कचरा कबाड़ है ना भाई, गाड़ियाँ में फंस सकते हैं, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाने वाली है। तो बिल्कुल आपको जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल केयरफुली लेके जाना है, और जिस जगह से मैं तुमको बता रहा हूँ ना सेम टू सेम तुमको वही करना है, मतलब तब जाके वो तुम्हारा काम सक्सेसफुली हो पाएगा। ठीक है, तो तुमको तुम्हारी गाड़ी को लिटिल यहाँ पे लाके बिल्कुल पीछे अड़ा देना है। मतलब तुमको भाई एक बारी में शायद तक पार हो या ना हो, पर तुमको दो तीन बारी लगेगी क्योंकि भाई ग्लिच हो जाते हैं काफी बार। देख सकते हो मैं बिल्कुल पीछे आ गया, मैं लेके जा रहा था अपने जॉयस्टिक को, पर लिटरली पीछे आ गई, और यहाँ पे भाई ग्लिच भी बहुत खतरनाक होते हैं भाई। लिटरली एक बारी में तो पार मुश्किल से होगा, पर थोड़ा मेहनत करो वो जरूर जाएगा। तुमको आ जाना है पीछे की साइड, यहाँ पे खड़े होकर तुमको लिटरली बक्की के आगे की साइड आके, और यहाँ पे आपको जंप मारना डबल जंप, और लिटरली आप ऊपर आ जाओगे। मतलब इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप यूएसबी लेके आ सकते हो, यूएसबी जैसे इजी हो जाएगी। मतलब जो आपका ओपिनियन, जो आपको अच्छा लगता है वो लेके आना, मैं तो बग्गी प्रेफर करूंगा, बग्गी सही रहती है। और फाइनली अपन को मिल चुका है अपना आइस बर्फ वाला स्नो वाला गिली सूट। यहाँ पर जाके भाई इसको आराम से अपन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सकते हो, जिससे भाई आप लगे कि नहीं बिल्कुल न्यू प्लेयर है। मतलब बंदा सोचेगा हाँ ओल्ड प्लेयर है जिसको सब कुछ पता है भाई ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो ये भाई ये चीज़ें ना बिल्कुल ही कॉमन है, पर भाई ये बहुत कम जनों को पता। लिटरली भाई ये पुराने प्लेयर है ना, पुराने प्लेयर भी भाई लिटरली 80 से 90 उनको ही ध्यान है, जो 10% अभी न्यू बंदे हैं ना उनको नहीं पता है ये। तो ठीक है, आज के वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट जो बताना, और भाई अपने गेम के अंदर कौन कौन न्यू प्लेयर है, कौन कौन ओल्ड प्लेयर है मुझे कमेंट जो बता देना।